अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है यकीनन, इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपके सबके घरों में अपनी रहमतें बख्शे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को और आपको सबको, बड़ों को सबको सेहतें अता फरमाए, सेहत ज़िंदगी अता फरमाए और तमाम बुरी बीमारियों से महफूज रखे। आज मैं मटन ग्रेवी बना रही हूँ। ये मटन वो लिया है मैंने जो मछलियाँ होती हैं बकरे की, ये लिया, ये देखें ये सारी वो लिया मैंने, तो ये बना रही हूँ मैं, ये देखें तो। और ये टमाटर हैं, ये प्याज है, गरम मसाला, नमक, लहसुन, अदरक, और ये मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और ये सूखा धनिया, बस ये चीज़ें। मैं शुरू करने लगी हूँ, आप देखिए ज़रा, यकीनन आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, ये देखें, मैं 2 चमचे भर भर के मैं ऑयल डाल रही हूँ, 2 चमचे डाल रही हूँ। और ये मैंने डाली है प्याज, जो को मैंने काट के रखी हुई थी, ये प्याज डाली है। प्याज ब्राउन हो जाएगी ना, फिर मैं इसके अंदर वो गोश्त डाल दूंगी। अभी मैं प्याज ब्राउन होने का इंतजार करती हूँ, फिर मैं, ये अभी प्याज ब्राउन होती है ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें प्याज हो गई है ब्राउन, ये सारा गोश्त डाल दूंगी। ये मैं टमाटर डाल रही हूँ, ये तकरीबन 6 टमाटर है दरमियाने साइज के, इसमें ये देखेंगे हम लोग आते हैं। ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, ये मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, ये मेरा लहसुन अदरक फ्रीज हुआ हुआ होता है, सूखा हुआ। ये मैं नमक डाल रही हूँ 2 चमचे, आप लोग अपने हस्बैंड डालकर डाल दीजिए, जिसका आपको पसंद हो। ये तकरीबन 2 चमचे ये है गरम मसाला, ये देखिए, ये मैंने 2 चमचे लिया था, ये 2 चमचे। ये मैंने 1 चमच मिर्चों का और 1 चमच हल्दी का, अभी ये थोड़ा सा सूखा धनिया डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चमच।
अब ये देखें कितनी खूबसूरत, देखें ये आपके सामने। मुझे ना थोड़ी सी मिर्च कम लग रही है, मैं थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। आपको जैसा मछली छोड़ा आप देख लीजिए, तो मैं आधा चम्मच और मिर्च डालिए। दरअसल मैं ना कभी चमचों के हिसाब से डालती नहीं, मुझे वैसे ही अंदाजा है, लेकिन बंद कर दिया। 15 मिनट तक ये बंद रहेगा, 15 मिनट के बाद मैं इसको खोल के देखूंगी, 15 से 20 मिनट तक। जब ये चल पड़ेगा ना, इसका रेवेटर हिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं 15 मिनट तक बाद टाइम देख के, तो उसके बाद मैं इसको 15 मिनट बाद खोलूँगी इंशाल्लाह ताला, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कैसे। क्या ये प्रेशर देके, और मैंने प्रेशर खोला है, और ये देखें अब मैं भूनूंगी इसको। भूनने के बाद इसमें मैं शोरबा डाल के फिर इसको पकने रखूँगी थोड़ी देर, क्योंकि अभी थोड़ा सी कसर है गोश्त में, तो बाकी ये भूनते भूनते भी गल सकते हैं, ज़रा सी देर बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। ये देखें आप शक्ल कितनी अच्छी लग रही है इसकी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप जरूर बनाइए, ये देखें आप कितने मजे का लग रहा है, बहुत मजे का लग रहा है। देखिए आपको ही पता लग रहा होगा कि ये बहुत मजे का लग रहा है। देखिए इसमें घी आ जाएगा बस, फिर उसके बाद में भून जाएगा, मैं इसमें शोर डाल ये देखें ये अब भून गए। भूनने के बाद तो मैं इसमें अब पानी डालने लगी, मुकम्मल भून चुका है। हाँ, मुकम्मल घी आ गया, ये देखें खूबसूरत रंगत आई है। मैं इसमें पानी डाल दूंगी, एक गिलास शोरबा उसको बनाते, हल्का सा शोरबा रहेगा, ज़्यादा नहीं बस, मुझे लग रहा है कम। पहले मैं ज़रा सा पानी, कि मैंने थोड़ा सा पानी आधा गिलास और डाला है इसमें, अब इसकी शक्ल सही आ जाएगी। अभी ऊपर घी आएगा ना, इस साइडों से उतार दूँ मैं इसके, ताकि इसकी ये सही है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें गोश्त कैसा है।
बस ये देखें अब ये तैयार हो गया, तो बस तैयार हो गया। मैं आपको थोड़ी सी देर ये पक जाए तो फिर मैं आपको दिखा। Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to get notified about our latest video. Goodbye.